जी अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन मैं हूँ जैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। तो आज हम चलते हैं बेलारूस। बेलारूस के वीज़ा के मुतालिक आपको आज इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन इससे पहले जो हमारे दोस्त हमारे इस चैनल पे नए आए हैं और जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। बेलारूस का वीज़ा जो है वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बेलारूस की एम्बेसी है, बाकी जो इंडिया बांग्लादेश वाले हैं वो वहाँ पर अपनी एम्बेसी का कंफर्म कर लें। तो जो बेलारूस का वीज़ा है पाकिस्तान में आप इस्लामाबाद में अप्लाई करेंगे, जिसका यानी कि फॉर्म है बड़ा ईजी, आप डिस्क्रिप्शन से आप उनकी वेबसाइट का सारा लिंक देख लेंगे, वहाँ पर इनका फॉर्म है जो आपने फिलअप करना है। वो फॉर्म इजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर ना भी समझ आए तो आप किसी से पूछ लें या मुझे कमेंट्स में लिख लें, मैं आपको बता दूंगा कि आपने फॉर्म को कैसे फ़िलअप करना है। लेकिन फॉर्म को आपने हाथ से फिलअप नहीं करना, कंप्यूटर पे ही फिलअप करना है। उसके बाद फिर आपने उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। इसके लिए आपको चाहिए आपका पासपोर्ट जिसकी 3 मंथ जो है वैलिडिटी हो, एक्सपायर ना हो। लेकिन होता तो 6 मंथ का है, 6 मंथ हो तो वो ज़्यादा अच्छा, लेकिन इनकी वेबसाइट पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कम से कम जो है पासपोर्ट की वैलिडिटी 3 मंथ होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी एक पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड वाली। साथ में आपने अपने होटल की कन्फर्मेशन लगानी है, रिजर्वेशन नहीं लगानी, होटल की कन्फर्मेशन लगानी है कि आप होटल बुक करें जहाँ पर भी आपने रहना है। मिन्स्क इसका कैपिटल है। और इसके अलावा आपकी एयर टिकट की रिजर्वेशन होनी चाहिए। साथ में आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेनी है जो अराउंड $10,000 को कवर करती है। ये $10,000 की नहीं है, ये बेसिकली 2-4 हज़ार रुपये की आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी है, आप उनसे ले सकते हैं और ये $10,000 को जो है कवर करती है, ये लेनी है। साथ में आपका एक कवरिंग लेटर ज़रूर होना चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ का विज़िट करना है, ठीक है, किस जगह पे आपने जाना है, कितने दिन रुकना है। और साथ ये है कि आपने जो प्रूफ लगाने हैं अपने अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो लगानी है, साथ में अपना कवरिंग लेटर लगाना है। और इसके अलावा आपने इनविटेशन लेटर लगवाना है, जो कि आपका अगर वहाँ पे जानने वाला कोई नहीं है तो फिर आप वहाँ पे ट्रैवल एजेंसीज हैं बहुत ज़्यादा बेलारूस में, आप ऑनलाइन सर्च कर लें, वहाँ से ट्रैवल एजेंसी से आप ले लें, तो वो आपको इनविटेशन लेटर दे देंगे। इसकी मेहनत से वो 100 यूरो या 100 यूरो से भी कम आपसे चार्ज करेंगे, तो आपको वो इनविटेशन लेटर बना के भेज देंगे, वो आपने ले लेना। साथ में बैंक स्टेटमेंट लगा लेनी है, एक पिक्चर लगानी है वाइट बैकग्राउंड वाली। और साथ में आपने जो जितने दिन वहाँ पर स्टे करना है आपके पास कम से कम जो है 25 यूरो पर डे के लिहाज से आपके पास पैसे होने चाहिए, वो चाहे आपके क्रेडिट कार्ड हो चाहे कैश हो, जैसे भी आप चाहे लेके जाओ, ठीक है। तो 25 यूरो पर डे के लिहाज से होने चाहिए। आपने बेलारूस का वीज़ा अप्लाई करना है तो कम से कम आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपये होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आप विजिट पे जा रहे हैं वहाँ पे तो क्लोजिंग बैलेंस इतना आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपने ये सारी चीज़ें लेके साथ में आपने इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने ये देनी है सब कुछ उनको, तो वो वहाँ पे जो चेक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स अगर सारे सही हुए तो फिर आपको वो एक चालान देंगे, एक रसीद देंगे, वो लेके आपने बैंक में जानी है। बैंक में जाके आपने वो फ़ीस जमा करवानी है जिसकी 60 यूरो फीस है वहाँ के वीज़े की। तो बैंक में जमा कराने के बाद बैंक वाले आपको एक रसीद दे देंगे कि आपने पैसे जमा करवा दिए, वो रसीद लेके दोबारा आपने वापस जाना है एम्बेसी में, और एम्बेसी में जाके वो रसीद उनको जमा करवानी है ताकि उनके पास में प्रूफ हो जाए कि आपने पैसे जमा करवा दिए। तो आपके पासपोर्ट के ऊपर 2 जो है ना वो ब्लैंक पेज होने चाहिए जिनके ऊपर उन्होंने वीज़ा लगाना है। ये सारी रिक्वायरमेंट है इनकी, इतनी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस तरह मैंने बता दिया पासपोर्ट, साथ में एक तस्वीर, इन्विटेशन लेटर, बैंक स्टेटमेंट। और हाँ, अगर ऑफिसर जो वीज़ा ऑफिसर है आगे बैठा हुआ जिसने आप से डॉक्यूमेंट लेने, अगर उसको एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, फॉर एग्जांपल आपका पुलिस क्रिमिनल सर्टिफिकेट, साथ में आपकी पे स्लिप वगैरह, ये चीज़ अगर वो मांग ले तो आपको प्रोवाइड करनी है, अगर वो ना मांग ले तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है ये उसके ऊपर है, वो मांगना चाहे तो मांग सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये चीज़ें आपने लेके जानी है सारी, ये सारा प्रोसेस है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हर चीज़ बहुत इजी है, आप खुद इसको जमा करवाएं 60 यूरो में, अल्लाह ने चाहे तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा।
कोई बात भी जो हो आप मुझे कमेंट्स में लिख के आप पूछ सकते हैं, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।